हेलो दोस्तों, आप सभी को अंकित भाटी का हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का तहे दिल से आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत डिमांडेबल वीडियो था। बहुत बच्चे इसकी पूछ रहे थे कि सर वो कब कराओगे। तो मैं जो लेके आया हूँ इस वीडियो में, खास क्या है कि जितनी भी आपकी गिनतियां होती हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, या वर्ग हो, या घन हो, चारों तरह की आकृतियों को मैं इसमें गिनना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल लठ गाड़ देंगे लास्ट तक, आप ये भी देखोगे, ठीक है। और करीब करीब 40 के आसपास आकृति हैं जो मैं आपको गिननी बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम की में भी कौन कौन सी आई हुई हैं, किस तरह की आती हैं, वो सारी मैं बताऊंगा। सिर्फ ये नहीं है कि ये ट्रिक बता दी, वही आपका उत्तर है, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप क्लियर करके रखेंगे एक एक चीज और समझेंगे बहुत गौर से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अर्थ से फर्श पर लेके जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मन से और बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। सारे चित्र खुद मुझे बनाने पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत टाइम वेस्ट ना करके। तो दोस्तों, अगर एक त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, और उसके शीर्ष से कोई पार्ट किए जाए, उसके सामने उसका ये जो कोना है उससे अगर कोई पार्ट किया जाएगा, चाहे उससे कोई लाइन कितनी भी खींची जाए, ऐसा नहीं है कि सामने ऊपर वाली से खींची जाए, इससे भी खींच ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये खींच रहा है, तो अगर आप ऐसे खींचे जाएंगे तो आप इनमें सिर्फ त्रिभुज की गिनती लिखोगे, एक दो, ठीक है, एक दो। तो अगर आप देखोगे तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं, इनके लिए आप इसको जोड़ दो त्रिभुज की। मैं आपको शुरुआत में ट्रिक बता रहा हूं गिनने की, क्योंकि गिनने में अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं हमारी, और मैं आज आपको ट्रिकी मेथड से ही बताता चलूंगा, साथ में गिनना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज है ये, ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज। और अगर मैं आपको बात करूं तो एक ये त्रिभुज है, इसमें एक ये त्रिभुज है। अगर मैं नाम डाल दूं ए बी सी डी, तो एक त्रिभुज तो ए बी डी बन जाएगा, एक त्रिभुज ए डी सी बन जाएगा, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो टोटल तीन त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, और हमने ट्रिक से सीधा ही कर लिया। तो ऐसे ही अगर पार्टीशन और भी बढ़ा दिए जाए, तो ऐसे आप पार्टीशन को कर सकते हो, इन सबको जोड़ सकते हो। तीन दो पांच छह, देखिए यहां से जोड़ लीजिए, चार तीन सात दो नौ एक दस, इसमें 10 त्रिभुज होंगे। और अगर दोस्तों, अगर मैं इसका और भी पार्टीशन कर दूं, तो आप नंबर डाल के बिल्कुल आराम से कर देंगे। अगर मैं आपको गिनने बताऊं कि इसमें 10 कहां है, तो मैं आपको बता भी सकता हूं। तो देखिए, जैसे एक त्रिभुज तो यही है, एक प्लस दूसरा ये दो त्रिभुज, तीसरा ये त्रिभुज बिल्कुल तीसरा, चौथा त्रिभुज ये रहा, चार पार्ट तो हमने कर लिए बिल्कुल, जिनमें हमने नंबर डाले थे, चार त्रिभुज तो इजीली दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला पांच। अब दो दो से मिलके देखिए छह, ठीक है, मेरा पेन जहां फिर रहा है आपकी नजर वहीं फिरनी चाहिए, छह, ठीक है। अगर मैं और देखूं इसी कोने से सात, ठीक है दोस्तों, अब ऐसे इधर से भी आ जाओ, दो दो से मिलके आठ, और इसी कोने से अगर मैं देखूंगा तो एक त्रिभुज ये रहा नौ, और एक बीचों बीच है ये त्रिभुज ये वाला, अगर मैं देखूं ए बी सी, ये वाला बीच का, ठीक है। तो दोस्तों, एक त्रिभुज ये, टोटल 10 त्रिभुज आप काउंट कर सकते हो बड़े आराम से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये त्रिभुज गिनने, तो आप देखिए इस लाइन को अभी भूल जाइएगा, पहले आप भाई लाइन कोई घटाएगी तो है नहीं त्रिभुजों को, ये त्रिभुज तो अब भी बन रहे हैं ना, एक दो, जिनकी हम गिनती करते हैं, एक दो तीन चार, चार तीन सात दो नौ एक दस, दस त्रिभुज तो बिल्कुल कंफर्म है। और अब आप देख रहे हो ये नए त्रिभुज बन गए इस लाइन से, तो इसमें एक बार और डाल सकते हो, एक दो तीन चार, तो आप देखोगे 10 ऊपर भी बन जाएंगे, सेम कंडीशन ऊपर बन जाएगी, और इनसे अलग बनेगी क्योंकि नीचे के तो अलग है बिल्कुल। तो टोटल ये 20 त्रिभुज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन एक तरफ के गिन ले करो, 10 आए, और इसमें ये दो लाइन के बजाय तो तीन लाइन भी खींच सकता है, तो जितनी ये पैरेलल लाइन होंगी, एक और एक दो, तो इसकी गुणा कर दो डायरेक्ट। अगर ये तीसरी भी पैरेलल लाइन आ जाए, तो 10 जो आए हैं आपके, उसमें तीन की गुणा कर दो, 30 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको यही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, एक अपने नंबर डालो, क्योंकि शीर्ष से सबकी काट की है उसने, और ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही ऊपर से ही फटेगा शीर्ष तभी ऐसा होगा, ये यहां से भी फाड़ दे तो भी एक ही बात है, ठीक है, तब भी आप एक दो तीन चार, तो ऐसे। अभी तो मैंने ये
क्लियर मतलब चित्र अच्छा नहीं बनेगा मुझसे, ये मैंने तसल्ली में बनाए हैं बिल्कुल स्केल ले लेके। तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21, बिल्कुल 21 त्रिभुज, लेकिन ये पैरेलल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, अगर ये 4 पैरेलल लाइन है तो इसमें 84 त्रिभुज हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं, एक टाइप क्लियर है आपकी, सेकंड टाइप अब इन पे जब सेकंड टाइप करवा दूंगा तो दोनों पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आपको सिर्फ एक वर्ग के दो पार्ट कर रखे हैं तो ये सिर्फ दो त्रिभुज होंगे, आप ये जान लीजिएगा, सिर्फ दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक ये और कुछ नहीं। जब तक लाइन विकर्ण, जब तक दोनों आपस में क्रॉस नहीं करेंगे त्रिभुजों में हेरफेर होना शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज विकर्ण जो है आपस में अगर क्रॉस करते हैं किसी वर्ग के, आयत के, कोई भी आकृति है ऐसी भी हो सकती है, तो इनके भी अगर क्रॉस करेंगे तो त्रिभुज हम कैसे गिनेंगे, इसमें ट्राइंगल अगर हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो आपको ऐसे काउंटिंग कर लेनी है 1, 2, 3, 4 जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे। तो इस वाले टाइप में आपको जब ऐसे फाड़ कर रखे होंगे विकर्णों से तो आपको 4, 2, 8 जितनी भी गिनती आई हो इनको नहीं जोड़ना, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 ऐसे नहीं करना, इस बात 4, 2, 8 जो लास्ट गिनती आई है उसमें आप 8 कर दीजिए। गिनती आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो इसमें 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये भी बिल्कुल विकर्ण वाली फाड़ है, आप आर पार होनी चाहिए लाइन बिल्कुल है, तो आप ऐसे ही देख सकते हो इसमें भी, तो इसमें 16 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका मिक्स क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अब दो ऐसी आकृतियों को एक साथ मिला दिया तो आप अब इसमें कैसे बनाओगे दोस्तों, मिला दे जब आकृतियों को, देखिए 8 इसमें सेम, इसमें भी 8 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 8 इसमें, तो 16 त्रिभुज तो आपके कंफर्म हो गए। इन 16 में मैं आपको गिनना, अगर आपको बताऊं दोस्तों 8 कैसे हैं इसमें तो आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए 8 गिनने बता रहा हूं त्रिभुजों को, पहले आप इस लाइन पे आ जाइएगा, देखिए छोटे छोटे 4 हिस्से तो हैं, 2, 3, 4 4 हिस्से तो हैं, और अब आप इस लाइन के दोनों तरफ देखो, इसके ऊपर 1 बिल्कुल इस लाइन से जो बना 1, तो 5 हो गए, 1 ये 6, और अगर इस लाइन से देखूंगा तो 1 ये 7 और 1 इस लाइन से नीचे जस्ट 8, तो 8 ऐसे बने हैं, ठीक है। तो आप इनमें भी काउंटिंग करना चाहो कि ये 16 कैसे आए हैं तो आप इन छोटे छोटे को गिन लो और फिर दो दो से मिलके जो बने हैं उनको ले लीजिएगा, ऐसे जो दो दो से मिलके बने फिर ये बड़े वाले, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इन सबको तो बिल्कुल ऐसे इस लाइन से नीचे भी और इस लाइन से ऊपर भी, ठीक है। तो ऐसे आप पूरे आप काउंटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी वाली। तो सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, तो 16 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे बहुत आराम से, 16 त्रिभुज। और अब आप देखोगे 16 से एक्स्ट्रा क्या बनेंगे दोस्तों, अगर ये अलग अलग आकृति होती तो इसमें 8 इसमें 8, लेकिन ये दोनों के मिलने से कुछ और भी बने होंगे, इनके मिलने से बने हैं ये एक्स्ट्रा त्रिभुज। देखो जहां दोनों ये आकृति मिल रही है दोनों, तो यहां एक तो ये है इनका मिलान बिंदु, एक ये है, तो इस मिलान बिंदु से देखो एक भुजा ये जा रही, एक भुजा ये जा रही, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये एक्स्ट्रा ही तो बन रहा है, अगर ये ना मिलती तो ये कहां बनता है त्रिभुज बताओ, नहीं बनता ना। तो ऐसे ही इसके मिलान बिंदु से ये बन रहा है, इस मिलान बिंदु से, तो आप कहेंगे ये दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इसमें 18 त्रिभुज आप कह सकते हो, और तो नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप सीधी एक बात बोला करो कि अगर दो चीजों को, दो आकृतियों को मिलाया गया तो उनके जितने भी मिलान बिंदु होंगे, ठीक है, उनके जितने भी कोने मिल रहे होंगे तो उन कोनों की वजह से और बढ़ जाएंगे उतने ही त्रिभुज, ठीक है। अगर तीन कोने तीन पे मिल रहे होते तो बिल्कुल मैं 3 और बढ़ा देता। तो आगे बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा भी, जैसे ये बढ़ रहे हैं तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 4 2 8 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया है, आपको दिखाऊंगा 28 कैसे हैं, तो 24 तो साफ साफ आपको दिख रहे हैं। 24 के बाद आप देखोगे इन दोनों आकृतियों का, इसका और इसका मिलान बिंदु ये हो गया और ये भी हो गया, तो इसकी वजह से 2 और बढ़ जाएंगे। तो आपको दिखाऊं 2 ये कौन कौन से है, एक तो ये बिल्कुल, एक ये, 2 ये हो गए, और इन दोनों के मिलने से भी ये दो मिलान बिंदु ये हो गए, तो इनसे भी ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं,
ये दो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं, तो दो और बढ़ गए, टोटल 28। बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने आंसर लिख दिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैं अक्सर गलती कर जाता हूं, बताता बताता इतना खो जाता हूं आप लोगों में कि मुझे खुद का होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बस मैं पढ़ाने में लीन हो जाता हूं, वो आपको पता है। चलिए, तो अब ये जो है एक आकृति है, 1 2 3 4 5 6 और ऐसी ऐसी 3 मिला रखी है, तो मिलान बिंदुओं से ही देखूंगा। तो इस बार 12 बन रहे, 12 12 12 36 तो बन गए साफ साफ। अब आप देखोगे इन दोनों के मिलान बिंदु से दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, एक तो ये वाला, देखिए आप ये वाला बिल्कुल एक, और इस मिलान बिंदु से एक और त्रिभुज निकल के आ रहा है, ये आ रहा, दो त्रिभुज बढ़ गए, इन दोनों के मिलने से दो त्रिभुज बढ़ गए। लेकिन अब आप देखोगे ये दो आकृति भी तो मिल रही है एक साथ, तो इसका मिलान बिंदु एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, तो दो मिलान बिंदु और आ गए, तो दो और बढ़ जाएंगे। कौन कौन से दो हैं जरा मैं आपको दिखा देता हूं, इससे ही आप इस पर फोकस कीजिए, इससे दो लाइन निकल के जा रही होंगी इधर को, एक एक और एक दो, एक तो ये बन गया इस मिलान बिंदु से ये। अगर ये दो आकृति नहीं मिलती तो ये बनते नहीं, बिल्कुल नहीं बनते, इसलिए ये एक्स्ट्रा में काउंट करने पड़ते हैं। अब दोस्तों ये तो 40 ही हुए, एक कहां से आया, एक बहुत बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जो ये तीनों के मिलने से बन रहा है। तो दोस्तों तीनों के मिलने से देखिए, इस पॉइंट से आ रहा हूं, एक इस पॉइंट से आ रहा हूं, आप देख रहे हो, और एक यूं जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो एक ए बी सी अगर इसका नाम दूं तो ए बी सी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है एक और, इसलिए इसमें 41 त्रिभुज होंगे, इसके अलावा तो इसमें और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं, इतने सारे त्रिभुज मैंने इकट्ठे कर दिए, तो अब आप देखो 76 इसमें त्रिभुज आएंगे, और आप सेकंड्स में गिनोगे इनको, मिनट तो आपको लगेगी ही नहीं किसी में भी गिनने में, 6 7 8, तो 8 2 16 एक आकृति में 4 आकृति ऐसी है, तो 64 तो आपको साफ साफ दिख रही है, तो 64 16 4 64। अब 76 कैसे हुए जरा वो चेक कर लीजिएगा, 64 आपको दिख गए। अब देखिए ये एक आकृति है, इस आकृति जैसी 4 मिली हुई है, अब इनके मिलान बिंदु ढूंढने हैं आपको, एक तो ये मिल गया दोस्तों, एक मिलान बिंदु, तो एक तो ये बना त्रिभुज बड़ा वाला, एक इधर से बना ये वाला, ठीक है, दो त्रिभुज ये बन गए, दो बन गए, ठीक है, तो इनका मिलान बिंदु से ये बने। अब मैं इन दोनों का मिलान बिंदु देख रहा हूं, इन दोनों का, ऊपर वाली का आकृति का और नीचे वाली का, तो इनसे दो का और निर्माण हो जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो और बढ़ गए, और ये जो है ये भी मिलान बिंदु है इन दोनों का, ऊपर वाली दोनों का बिल्कुल, तो इनसे और दो का निर्माण हो जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये इनके मिलने से ही बने, नहीं ये नहीं मिलते, ये होते ही नहीं त्रिभुज पूरे, कैसे होते हैं आप खुद देख लो, ये तो इतनी लाइन रह जाती, फिर ये त्रिभुज कहां बनता। ठीक है, ये सब तो आ ही चुके हैं उसमें जो हमने 64 लिए हैं, कि भाई आप ये लेके देखोगे तो ये तो आ चुका है ना उनमें, जब हमने 6 2 8 2 16 किया है उसमें आ चुका है वो तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये देखो दो ये, लेकिन इन दोनों का भी मिलान बिंदु है आपस में, इन दोनों का मिलान बिंदु है, तो दो और बढ़ जाएंगे, कौन कौन से हैं ये दो, एक और एक ये रहा, दो और बढ़ गए, तो 16 2 64 2 66 2 68 2 70 2 72 72 तो बन गए बड़े आराम से। अब मैं और देखता हूं 72 से प्लस 4 क्यों हुए, दोस्तों बहुत बड़े बड़े त्रिभुजों का निर्माण जैसे यहां हुआ था इस आकृति में, तो इसमें भी एक और बहुत बड़े त्रिभुज का निर्माण इस कोने से, देखिए कौन इन पे बन रहे हैं, चारों पे, ठीक है, चारों कोनों पे निर्माण हो रहा है उन बहुत बड़े त्रिभुजों का। एक त्रिभुज तो ये बना, देखो ए बी सी डी, अगर मैं चारों कोनों को नाम दूं तो अच्छा समझ में आएगा, ए बी सी एक त्रिभुज तो ये रहा, ए बी सी बिल्कुल, और एक ऐसे ही जब ऊपर बन रहा है तो सेम नीचे भी बन रहा होगा, ये रहा बी डी सी, बी डी सी, ठीक है, दो त्रिभुज। अब इस लाइन से भी दो ऐसे ही बन रहे होंगे, एक तो ये रहा ए बी सी, ऐसे वाला ए बी सी, ये वाला बिल्कुल, और इस लाइन से नीचे भी बन रहा होगा ए सी डी, एडीसी का हो या एसीडी का हो, तो बिल्कुल चार त्रिभुज ऐसे बन गए, तो उत्तर 76 बिल्कुल सही है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आप ऐसे त्रिभुजों को भी आप काउंट कर लेंगे। अब दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं जरा उनको भी हम लोग हल कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आज आपकी आंखें खोल दूंगा, इनमें जो डर था उसको निकाल के फेंक दूंगा, क्योंकि एग्जाम के भी तो क्वेश्चन हमने काउंट किए ना,
आप कहो जी ये ट्रिक वाले तो एग्जाम में आते ही नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा ना आपको ट्रिक कैसे लगा सकते हो इनमें। तो दोस्तों देखो, अब इसमें आप कैसे अपनी ट्रिक्स को कामयाब बनाओगे ऐसे त्रिभुजों में, जरा देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं यह आकृतियां गिनिए किस तरह की हैं। दोस्तों एक जो वर्ग है, वर्ग वाला इस बार थोड़ा सा इस तरह का वर्ग दे रखा है। वर्ग के अंदर अगर विकर्ण मिलाए जाए तो विकर्ण मिलाने वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या था अभी, एक दो तीन चार वाला, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार ऐसे लिखना चाहिए था, एक दो तीन चार ऐसे। तो दोस्तों ये आठ त्रिभुज तो इसमें साफ साफ दिख रहे हैं, सेम ऐसे ही एक वर्ग यहां भी बन रहा है, तो आठ इसमें भी, तो इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक दो तीन चार वाला, तो आठ प्लस आठ सोलह तो एकदम दिख रहे हैं। अब जो बचगी आकृति, ये बचगी और ये ऊपर का पार्टीशियन है, देखिए एक ऊपर का जो पार्टीशियन होता है, एक दो तो तीन ये बन गए, ऐसे ही सेम तीन इसमें भी बन जाएंगे, ठीक है, एक तीन इसमें भी बन जाएंगे सेम। तो आप तीन आठ आठ सोलह तीन उन्नीस तीन बाईस तीन पच्चीस, तो पच्चीस साफ साफ है। अब पच्चीस के अलावा और क्या बने हैं जो इन आकृतियों के मिलने से बने हैं, अगर इसके साथ ये आकृति आई है तो कोई ऐसा त्रिभुज का निर्माण हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, आप देखो ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण हुआ ना, ए बी सी, ये त्रिभुज तभी बना है जब ये इसके साथ ये आकृति मिली है, अगर ये नहीं होती तो ये त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल हर आकृति एक ऐसा त्रिभुज बनाएगी। अब आप देखो इधर भी, अगर मैं यहां नाम दे दूं तो आप देखोगे खुद, दोस्तों हमने इन पे नंबर डाले तो एक तो एबीसी त्रिभुज बन गया एक्स्ट्रा वाला जो दोनों के मिलने से बना, एक एसीडी त्रिभुज भी बन गया एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि ये भी तब बना है जब इसके साथ ये मिला है, इस वाले के साथ ये वाला मिल गया है तभी तो बन पाया, ठीक है। तो एक ये बन गया और ऐसे ही एक ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ये एडीई, ये भी तभी बना है, और एक ये डीईएफ, ये वाला भी तभी बना है क्योंकि ये दो आकृतियों के मिलने से बन रहा है। कौन कौन सी दो आकृति? इसके साथ ये वाली जो मिली है। तो टोटल इसमें 29 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एग्जाम के पूछे हुए हैं। अब एग्जाम में इस तरह के लोग नहीं पूछे, देखिए जिस तरह की ये आकृति है तो आपको लग रहा होगा देखिए एकदम एग्जैक्ट ट्रिक वाली नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ थोड़ा चेंज कर देगा और आपको बिल्कुल वो लगेगा कि बिल्कुल पता नहीं इसमें हम लोग क्या करें, लेकिन ये इजीली होंगे, आप खुद ही देखोगे। तो जैसे मैं इसको करने लगूं, एक दो, तो एक आकृति तो ये है जो हमारी ट्रिक वाली काम आएगी, तीन त्रिभुज इसमें बन जाएंगे, और एक नीचे वाली आकृति है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, जिसमें हम अपना रूल लगाते हैं 16 त्रिभुज इसमें, 16 और 3 19 इसमें, तो 19 अब इन दोनों के मिलने से कौन से त्रिभुज बने? तो यहां एक मिला है, यहां मिलान बिंदु है। तो दोस्तों एक तो ये त्रिभुज का निर्माण हुआ और एक ये त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो दो त्रिभुज जो एक्स्ट्रा बने उनको मैं इसमें 16 प्लस 3 प्लस 2, छोटा बच्चा है दोस्तों घर में आवाज आ रही होगी, कोई नहीं इतना तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे, तो 21 त्रिभुज इसमें होंगे। बिल्कुल क्लियरली, अरे बच्चे की रोने की आवाज मेरी वजह से है, वो मेरे पास आने को कर रहे हैं, बेटी है मेरी छोटी, तो पर क्या करें, चलो ये टाइम भी देना आपको जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत पास हैं और कुछ सबके लिए जरूरी है कि ये सब काम मैं आपके लिए करूं, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट आकृति हो जाएगी आपकी इस तरह की। अगर मैं इस पूरी वाली आकृति को देखूं और इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, इस वाले को, तो आपको खुद साफ साफ लगेगा कि एक दो पुराना ही रूल इसमें लग रहा है, चार पांच छह सात आठ सोलह त्रिभुज तो इसमें, और अगर इसको मैं एक्स्ट्रा में एक और बना दूं तो इसमें भी ऐसे ही त्रिभुजों का सेम निर्माण हो रहा है, तो इसके भी पार्टीशन उतने ही बने हैं, तो 16 इसके और 16 इसके, लेकिन इन दोनों के मिलने से कोई नया त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। आप देखिए इन मिलान बिंदुओं से कोई त्रिभुज निकल के नहीं जा रहा है, जहां भी ये मिल रही हैं उस मिलान बिंदु से कोई त्रिभुज नहीं निकला है, आपके इन मिलान बिंदु से निकला हुआ है, तो ये सब काउंट हो चुके हैं दोस्तों, ये सब तो उसमें आ गए, उसके अंदर अंदर के थे, तो 32 त्रिभुज ही हैं इसमें, इससे ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए सब एग्जाम की आई हुई आकृतियां जो मैंने आपको एग्जाम के लिए लिखी है। अब अगली आकृति क्या है, आप देखिएगा कि ये एक्स्ट्रा में इसके साथ ये चिपकी हुई है, जैसे ऊपर था तो ऊपर वाला ही है बिल्कुल चित्र जो अभी कराया, ये जस्ट यही वाला चित्र है, लेकिन लास्ट में क्या है कि ये दो और बढ़ गए हैं कोने,
ठीक है। तो 21 तो मैंने उसमें गिन के दिखाए थे कि 16 इसमें, 3 इसमें, 19 और 2 का इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ये वाले तो 21 ऐसे। अब ये 7 कहां और बढ़ गए कि इसमें 28 आ रहे हैं, तो 28 मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि भाई ये कोने जो बढ़े हैं इनकी वजह से एक त्रिभुज तो ये साफ साफ ही बढ़ रहे हैं, तो दो त्रिभुज तो ये साफ साफ दिख रहे हैं आपको भाई, एक ये और एक ये छोटे से, और इनकी इस लाइन की वजह से ये त्रिभुज एक एक्स्ट्रा का निर्माण हुआ, और ऐसे ही सेम इधर हो रहा होगा, तो दो त्रिभुज और बढ़ गए, 25 हो गए। तो अब 3 और हमें बनाने, 3 और ढूंढने इसकी वजह से जिनका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों एक तो देखिए ये रहा ठीक है, ये ऊपर नहीं था ये त्रिभुज लेकिन इसमें है, तो ये एक ये हो गया, एक सेम इधर भी है तो दो और बन गए, और एक ये बड़ा वाला भी तभी बना है जब ये कोने बाहर निकले हुए हैं, तो एक ये बन गया, तो टोटल आप देखोगे काउंटिंग करके तो 28 आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। तो ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं और बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपको ये चीजें पता है तो। अब दोस्तों टाइप 3 आती है, तो थोड़ा सा आप इसको भी गौर से समझिएगा कि जैसे ये एक त्रिभुज है, अब इसके ये एक तो ये तो सिंगल है ही, लेकिन इसके अंदर कोई उल्टा त्रिभुज या सीधा त्रिभुज बना दे, अब सीधा बनाएगा तो वो तो इस पे इस लाइन पे आ जाएगी उसके, अगर तो सीधा तो इसमें बनेगा नहीं, अगर एक ऊपर है तो एक ऐसे बनेगा जैसे इस तरफ बना हुआ है। तो अगर ये इसके अंदर एक त्रिभुज और हो तो इसको बोलेंगे, इस लाइन पे आप त्रिभुजों की काउंटिंग किया करो, इस रूल को मैं आगे बताऊंगा खैर, पर आप इसमें फिलहाल तो गिनी लो कितने, एक दो, एक तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, एक दो तीन चार, ये जो खाने दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन चार, दो तीन चार, ठीक है, और एक ये बड़ा, तो 5 त्रिभुज का निर्माण इसमें हो रहा है, बिल्कुल इजीली 5 त्रिभुज आप काउंट कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसमें काउंट करूं तो आपको दिख रहे हैं कि बिल्कुल वही आकृति, वही आकृति जैसे ये थी, ये थी, इसके अंदर 5 बनते हैं एक के, लेकिन ये बड़े वाले को मिलाकर बनते हैं, तो वैसे तो 4 ही त्रिभुज है, 4 ही डब्बे हैं। तो आप देखोगे इस वाले में 4 डब्बे हैं, देखिए 1, 2, 3 और चौथा डब्बा ये, ठीक है, और ऐसे ही सेम इसमें भी 1, 2, 3 और एक चौथा ये रहा, 4 डब्बे इसमें है, ठीक है। आप क्या ये वाला कब काउंट करोगे बताऊंगा अभी, क्योंकि ये वाला हम काउंट कर चुके हैं इस वाले में, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस वाले के अंदर फिर वही कहानी आ गई है, तो 4 डब्बे 1, 2, 3 और चौथा ये, 4, 4, 4, 8, 4, 12 हो गए दोस्तों। और अब आप देखिए सिर्फ एक ये बड़ा वाला ही काउंट नहीं हुआ, बाकी सारे काउंट हो गए हैं 13। क्यों, आप कहो जी ये वाला आपने कब काउंट कर लिया, ये तो आपने 4 ही तो गिने थे, 1, 2, 3 और चौथा ये। दोस्तों ये वाला तब काउंट हो गया था कब, जब हमने इसके बाहर वाले के गिने, 1, 2, 3 और चौथा यही वाला तो काउंट हुआ था। और अब आप कहो ये वाला कब काउंट कर लिया आपने, जब अंदर के गिन रहे हो, 1, 2, 3, 4 ही तो काउंट किए, ये वाला तब काउंट हो गया जब इसके हम गिन रहे थे, 1, 2, 3 और चौथा ये वाला ही तो गिनेंगे। तो इस तरीके से वो काउंट हो चुके हैं जो आपको ऐसा लग रहा होगा, तो 13 त्रिभुज ही इसमें होंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। तो एक टाइप ये हो गई, क्लियर सी बात है। अब मैं अगर इनके कोने और मिला दूं उसी त्रिभुज से, तो आपको दिख रहे थे कि भाई अब इसमें कैसे हम लोग गिनेंगे, तो आपको लगना चाहिए इसमें आप कैसे भी अपना काउंटिंग कर सकते हो। दोस्तों आपने एक रूल तो ये पढ़ा है, 1 और 2, 3, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 9 त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला, ये तो काउंट हुआ नहीं, और एक ये छोटा वाला जो उल्टा बन रहा है, तो 2, 11। इजी तरीका तो यही है, आप क्यों उसकी तरह नहीं गिन सकते कि आप 5 त्रिभुज इसमें, 5 कैसे, वही ये वाला जो अभी था 5 और फिर इनने गिन लिया जाए, ठीक है, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो अपना अपना तरीका, जैसे भी आप करना चाहो। तो अब मैं इसको गिनू जो इजी लगे आपको उस टाइम पे, 1, 2, 3 तो ये रे, 3 ये रे, 3 ये रे, 9 त्रिभुज, एक बड़ा वाला 10 और एक ये अंदर वाला 11, एक ये अंदर वाला 12, ठीक है। अब ये 3 कहां से आए हैं और एक्स्ट्रा क्या, ये तो अंदर के ये डब्बे ही तो हैं दोस्तों, ये वाले डब्बे ही तो, देखो मैंने क्या बताया आपको, 3, 3, 9 तो यही है, इनको मिला के 1, 2, 3 तो 9 त्रिभुज, 9 के बाद ये वाला डिब्बा 10, ये वाला डिब्बा 11, ये वाला डिब्बा 12। अब आप देखोगे 13, 14 और 15, ठीक है, तो ये वाले त्रिभुज, तो 15 डिब्बे हो गए टोटल। चलिए
तो 15 ये त्रिभुज आपको काउंट करने थे। अब इसमें 21 कैसे हैं? आप काउंट कर लोगे बड़े आराम से। देखिए, तीन तो इस वाले में पार्ट में, तीन इस वाले में, तीन इस वाले में, नौ त्रिभुज। अब नौ तीन ये रे 12, तीन 15, तीन 18। ठीक है, 18 क्लियर भाई। एक दो इनमें भी तो डालोगे ऐसे ही, तो 18 क्लियर। 18 के बाद एक ये बड़ा वाला 19, एक ये छोटा वाला इसके अंदर उल्टा जो है 20, और एक ये अंदर छोटे वाला, एक के अंदर एक, के अंदर एक जो है, तो 21 त्रिभुज आप ऐसे। तो ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसी के बड़े रूप है, मतलब थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा मैं अगले क्वेश्चंस पे चलता हूं। ये बहुत एग्जाम में आपको मिल जाएगा, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में। तो ये कैसे मिलेगा जरा आप इनको देखिएगा। ये आप, अगर मैं इस त्रिभुज को लूं सिर्फ ए बी, मैं आपको पहले पार्ट कर देता हूं सी, और इसको मैं डी ले लूं। ठीक है दोस्तों, और ये ले लो ई, ये ले लो एफ। चलिए, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं ए डी सी, इस त्रिभुज को लेना चाह रहा हूं मैं ए डी सी। अब ए डी सी त्रिभुज में बताओ कितने, एक दो तीन त्रिभुज है कि नहीं। ऐसे ही सेम ये वाला जो त्रिभुज है बी डी, और ये सॉरी ये मैंने ई लेना है, तो ये ई नहीं एफ, एफ एफ ले लो, कोई बात नहीं। तो बी डी एफ, ये जो बी डी एफ त्रिभुज है इसमें भी तीन हो जाएंगे, बी डी एफ में भी तीन। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं ए डी एफ, ए डी एफ को भी देखूं तो इसमें भी तीन, तो तीन तीन, तो आपको ये नौ त्रिभुज तो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 16 कैसे आएंगे? उत्तर इसका 16 है, मैं आपको पहले ही लिख दिया है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर मैंने सबके लिख दिए हैं ताकि आपको, मतलब मुझे भी गलती ना हो कोई भी आपको बताने में, तो नौ कोई छूटे ना। तो नौ हो गए, नौ होने के बाद अगर मैं आपको देखूं कि इसमें और क्या बन सकते हैं, तो एक तो ये बड़ा वाला है ही 10, ये तो काउंट किया नहीं अभी, और इसके जो दो पार्ट कर रखे हैं 10 और एक 11, और एक ये वाला पार्ट 12। तो 12 तो ये है, अब 12 के अलावा और कितने त्रिभुज हैं इसमें जो हमसे अभी चूक रहे हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो हर ये जो लाइन है, हर जो लाइन है, तो ये कितने त्रिभुज लेगी? देखो ये जो लाइन है ये अपने दोनों तरफ त्रिभुज बनाएगी, तो दोस्तों एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए हमने वो जो काउंट किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा, इसलिए मैं 9 ही मानता हूं, 9। ठीक है, 9 के बाद एक ये बड़ा वाला ले लो 10। ठीक है, ये समझ में तो आ रहा है इतना, तो 10। अब इस लाइन से दोनों दोनों तरफ देखो, इस लाइन के दोनों तरफ, इस लाइन से लूं ई एफ ए, ई एफ ए लोगे या ए ई एफ लोगे? एक तो ये बन गया, और एक इस लाइन के नीचे ई एफ बी, ठीक है, या ई बी एफ, जो भी आप कहो, दूसरा ये हो गया। तो इस लाइन से लिया ये लाइन, क्लियर। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए, और इस लाइन से भी लोगे तो दो त्रिभुज और बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, दो और बन गए, अब ये लाइन भी क्लियर, अब ये वाली लाइन रह रही है हमारी, इस लाइन से एक ऊपर बन गया, इस लाइन से एक नीचे बन गया, तो ऐसे दो और, तो टोटल 16 त्रिभुज इस तरह से काउंटेबल होंगे। ठीक है, क्लियर है ना आपको? चलिए आगे बताता हूं। अब स्टार की एक टाइप है, टाइप 4 मैंने दिया है, सिर्फ दो त्रिभुज इस तरह से आते हैं, और हम इसको भी स्टार मान लेते हैं। मैं आपको रटवाऊंगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये असली स्टार दिख रहा है ना आपको, ये असली स्टार है, इसमें 10 त्रिभुज होते हैं, ये रट लो आप। ठीक है, आप कहो जी इसमें गिनवा दो, दोस्तों अगर मैं गिनवाऊंगा ना आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा कौन सा गिना कौन सा नहीं गिना। तो देखिए ये एक ऐसे आप गिनने की कोशिश करिए, पांच तो आपको साफ दिख रहे हैं, और अब ये जो ऐसे है ना 6, ठीक है, ऐसे ये 7, ऐसे इधर को 8। ठीक है, तो ऐसे इसमें कंफ्यूजन आप अपना दूर करके, और आप बिल्कुल ये 9 त्रिभुज, तो ऐसे मतलब इसमें टोटली 10 त्रिभुज आप गिन सकते हो। स्टार में रट के जाओ, मैं तो कह रहा हूं इसको रट जाओ एकदम, कि 10 त्रिभुज होते हैं स्टार में। ठीक है, ऐसे तो आप खुद इसमें नहीं तो भूल जाते हैं कितने, लेकिन ये एक त्रिभुज के ऊपर एक उल्टा त्रिभुज करके रख देता है, ये भी स्टार सा लगता है, लेकिन ये है नहीं स्टार। ये स्टार वो है जिसमें बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्टार कभी बगैर पेन उठाए बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये वाला स्टार तो ये है कि दोस्तों ये बगैर पेन उठाए मुझ पे ऐसे तो बनेगा नहीं, बड़ी मेहनत से बनाया, तो ये वाला स्टार तो ये है, बगैर पेन उठाए मैंने बना दिया, लेकिन मैं अगर इसको बनाऊंगा तो मुझे पेन बार बार उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी ये का निर्माण होता है। तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो साफ, और दो त्रिभुज ये उल्टे सीधे जो रखे हैं, एक ये 7 और एक ये 8।
8, सिंपल, ठीक है। तो 8 त्रिभुज ये वाले स्टार में, ये वाला स्टार स्टार नहीं है, देखने में स्टार लगता है, असली स्टार ये है जिसमें पैनी ना उठाना पड़े, इसमें 10 होते हैं। एक टाइप 5 त्रिभुज की, इसके बाद मैं अपनी वाणी को त्रिभुज के बारे में तो विराम दूंगा। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज अगर आपको देखने हैं तो ये एक ऐसा होता है कि एक ही त्रिभुज के अंदर एक एक दो दो तीन तीन इस तरह से बना देता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक त्रिभुज के अंदर ये देखिए एक, ये सिर्फ एक भी बना रह सकता था, आप सिर्फ सोचिए इतना त्रिभुज होता, ए बी सी तो ये पूरा है और इसको मैं डी ई मान लूं, अगर ये ए डी ई होता तो आप बताओ, ए डी ई होता तो आप इस लाइन को देखो, सिर्फ इस लाइन को, अगर ये ए डी ई होता तो एक और एक दो, दो ही तो इस पर त्रिभुज बनते, इस लाइन पे आप देखो कितने त्रिभुज, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, दो ही त्रिभुज बनते। तो दो वाले में आप गिन के बताओ कितने त्रिभुज, एक दो तीन चार पांच, ऊपर भी गिनवाए थे मैंने, बिल्कुल जस्ट ऐसा ही चित्र था ये वाला, ऊपर देखो आप ये वाला चित्र बिल्कुल सेम ही था, ठीक है। अब मैं इसमें इसका ही दूसरा पार्ट है ये कि भाई इसमें और बढ़ा दिए जैसे उसने, तो इस वाली लाइन पे आप गिन ले करो, और इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं सीधा कि इस पे आपके कितनी लाइन है, कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, तीन, तो तीन वाले में रट लो 13, आप क्यों इस तरफ इस लाइन पे देखो 4 त्रिभुज, तो इस वाले में 4 पे 27, आप क्यों कहां तक रटेंगे, और दो वाले पे 5, क्योंकि जब दो थे 1 2 5 ये तो काउंट कर सकते हैं इजीली, तीन वाले भी काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज तो ये, एक बड़ा 10, एक ये 11, ठीक है, और दो ये रे दोस्तों, एक ये रहा 12 और एक इधर से 13, ठीक है, इस तरह से 13 त्रिभुज होते हैं, पर इनमें जितने बड़ा होता जाएगा उतने गिनने मुश्किल होते जाएंगे, तो इसलिए रट लेते हैं 4 में 27, अगर 5 का भी आएगा तो कितने, तो ये एक टेबल है मैं जो आपको दे रहा हूं, इसके आप गिन सकते हो, रट सकते हो कि तिरछी भुजा, ये जो तिरछी वाली भुजा होती है इस पे आपके त्रिभुजों की संख्या अगर 3 है तो 13 आएंगे, 4 है तो 27 आएंगे, तो वो वाली काउंटिंग मैंने यहां दे दी है कि 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 5 आएंगे, 3 है तो 1 में कुछ नहीं है, आपका 1 कैसे आएगा, ये 1 तो यही है बस, ठीक है। तो 2 अगर हो तो 2 अगर हो देखो ये रहा 2, दो बन गए, दो बनेंगे तो 5, अगर 3 होंगे तो अभी मैंने आपको दिखाया 13, 4 वाले में 27, 5 वाले में 48, 6 वाले में 78, 7 वाले में 118, आप क्यों इतने ज्यादा तो नहीं पूछेगा, 5 भी बहुत है अगर आपने रट लिए तो, ठीक है। 8 वाले में भी अगर मैं लिखूं तो 170, आप क्यों ये किस रूल से आ रहे हैं, ऐसा कोई रूल है नहीं है रूल, ठीक है, रूल होगा भी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी रूल है, मैंने इसको पढ़ा था तो ये थोड़ा दिक्कत है, तो आप उस पर मत जाइएगा, आप इनको ऐसे ही रट लीजिएगा। अब आप देखिए इस पर एक प्रैक्टिस करवाता हूं, कितने इसमें 3 1 2 3 4 5, तो 5 वाले में कितने होंगे आप देखिए, खुद 48 होते हैं 5 वाले में, ये आ रहे ना, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गिनने के इच्छुक है तो आप इन डब्बों को गिन लीजिए, है ना, बाकी तो ये टेबल आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रट भी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत मुश्किल होता है रटना, ठीक है दोस्तों। अब वर्ग और आयत गिनने पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगर वर्ग और आयत गिनने की बात हो तो मैं इसमें दोनों, इस आकृति में दोनों चीज आपको गिन के बताऊंगा, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, दोनों चीजें गिन के आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वर्ग होते हैं, 1 2 3, ऐसे ही आप नीचे भी डाल सकते हो 1 2 3, तो आप ऐसे डालो या ऐसे डालो, अगर ये चीज बराबर है तो वर्ग में कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, अगर ये बराबर है तो 3 का वर्ग, देखिए अब आप अगर ये बराबर है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर बराबर है तो इन सब का वर्ग कर दो, जैसे त्रिभुज वाले में 1 2 3 नंबर डाले और जोड़ दिया यूं ही, लेकिन ये वर्ग है तो इनका वर्ग का स्क्वायर का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर निकालना है, तो ये 9 + 4 + 1, 9 4 13 और 1 14, तो 14 तो इसमें स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, अगर स्क्वायर की बात होगी तो 14। लेकिन अब आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा जी ऐसे 3 3 बराबर न हुए नीचे को 4, तो वो मैं आगे बताऊंगा, वो मेरा अगला प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब अगर इसमें आयत गिनने की बात हो तो हम लोग कैसे गिनते हैं, वर्ग वाले में तो हम वर्ग करेंगे, अगर वर्ग गिनवा रहा है तो इनका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अगर इनमें आयत गिनवा रहा हो तो आप वर्ग मत करिए, क्योंकि आयत का नाम आ रहा है तो आप इनका स्क्वायर क्यों करेंगे, तो आप इन्हें यूं ही जोड़ दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 3 2 5 और 1 6
और नीचे भी अगर जोड़ोगे इनको तो ये भी छह ही आएगा योग, इन सब का योग, तो दोनों तरफ जोड़ने पड़ते हैं आयत में, और छह और छह की गुना उत्तर 36, तो 36 आयत बन जाएंगे क्या इसमें? मैं आपको दिखाऊंगा अभी 36 कैसे आयत बने, तो वर्ग बता देता हूं पहले कैसे बने हैं दोस्तों ये 14 वर्ग, तो आपको 9 डब्बे तो दिख रहे हैं, 9 वर्ग हो गए, और आप देख रहे हो 10 वर्ग, एक ये बड़ा 11 और एक नीचे 12 और एक ये नीचे 13 और एक सबसे बड़ा वर्ग 14, 14 वर्ग गिनने आ गए। अब मैं 36 आयत गिन के बताऊंगा 36 आयत कैसे होंगे, तो आयत अगर आपको बताऊं तो किस तरह ये वर्ग, जो भी वर्ग होता है वो आयत तो होता ही होता है, अगर ये बोले कि वर्गों को छोड़कर आयत तो बताओ कितने, तो 14 घटा देगा, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी इस आकृति में वर्ग हटाकर आयत कितने हैं वो बताइएगा, तो आप आयत कितने बोलेंगे दोस्तों इसमें 22 आयत हैं वर्ग को हटाकर, ठीक है, ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आयत क्या है, ये 14 तो होंगे ही होंगे, प्लस देखिए ये दो दो से मिलके जो बनना, ये वर्ग नहीं है आयत है, तो 14 एक 15, एक ये बड़ा 16, एक इधर से भी आओगे 17, ठीक है, ऐसे नीचे चलोगे 18 19, ठीक है, और अब ये 20 21 ऐसे खड़े भी लेंगे, तो ये सारी चीज मिला के आपकी आयत बन जाएंगी इसमें 36, तो आयत गिनना इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, सभी आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन जितने भी वर्ग होते हैं वो सब आयत तो होंगे ही होंगे, आप खुद बताओ, हर वर्ग आयत होता है, हर वर्ग आयत तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन आयत वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, इसमें भी वर्ग और आयत गिनने बताऊंगा, पहले आप देखो ये बराबर हैं क्या, 5 2 3 4 5, अगर ये बराबर हैं तो वर्ग कर दो, सिर्फ वर्ग कर दो और कुछ नहीं करना, 25 + 16 + 9 + 4 + 1, तो 25 16 41 9 50 4 54 1 55, ठीक है, अगर मैंने सही जोड़ा है तो 55 वर्ग हो जाएंगे, वर्ग तो ऐसे, अगर आपको आयत काउंट करने हैं दोस्तों तो आप इनको ऐसे ही जोड़िए, 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 15, तो ऐसे इनका योग आया, और नीचे को भी जोड़ लो 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15, तो 15 और 15 की गुणा कर दी जाती है, इन दोनों की गुणा जैसे पिछले में की थी, तो 225 आयत, कितनी बड़ी बात है, 225 आयत बन जाएंगे इसमें, बिल्कुल बन जाएंगे, और अगर पूछे वर्ग हटाकर बताओ तो 225 - 55, वर्ग हटाकर इतने आयत बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों 225 आयत। अब मैं इसमें वर्ग और आयत काउंट करूं, अब वही बात आ गई जो आपके दिमाग में घूम रही थी, 1 2 3 4 और नीचे देखो 3 4 5, अब थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई, अब इनका वर्ग आप नहीं कर सकते, वर्ग सिर्फ तब कर सकते हो जब ऐसे और ऐसे बराबर हो, लेकिन अब मुझे इसमें अगर वर्ग काउंट करने हुए तो मैं कैसे करूंगा, जरा देखिए, देखिए पहले क्या था, यहां भी 5 था यहां भी, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25, ऐसे गुणा हो रही थी, लेकिन अब क्या होगी 5 की 4 में, लास्ट वाले की गुणा लास्ट वाले में, वर्ग काउंट कर रहा हूं, ठीक है, पहले भी ऐसी हो रही थी, 5 का वर्ग क्यों बन रहा था पहले, आप देखो खुद, पहले भी ऐसी गुणा थी, 5 गुणा 5 5 का वर्ग ऐसे बन रहा था, 4 गुणा 4 4 का वर्ग ऐसे बन रहा था, ठीक है, तो यहां भी मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन यहां 5 है यहां 4 है, लास्ट की गुणा लास्ट में करते हैं, 4 की 3 में करूंगा 4 गुणा 3 प्लस फिर 3 की 2 में करूंगा 3 गुणा 2, तो दोस्तों आगे देखूंगा तो फिर आप खुद बताओ, देखो सब एक एक घटते जा रहे हैं, 5 4 4 3 3 2, एक एक कम हो रहा ना हर संख्या, तो आगे 2 1 आएगी और प्लस आगे और एक एक कम करूं तो ये 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, तो आगे तो 0 ही है, तो ऐसे आप घटते चले जाओगे, ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए, तो 20 + 12 + 6, शुरू में देखो यहां से रूल फॉलो करो और बाद में तो फिर एक एक घटना, सीधी सी बात है, तो बार बार न्यू ही थोड़ी देखेंगे हम, न्यू करे जाएंगे, तो 20 12 6 + 2 + 0, जरा जोड़ लो 32 36 2 40, तो आपका आंसर इसका 40 वर्ग होंगे। अगर मैं इसमें आयत काउंट करने लगूं दोस्तों तो आयत का तो सीधा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए, और इधर को जोड़ू 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 और 10 की गुणा करी 150, वर्ग हटवा रहा हो 150 में से 40 घटा दो 90, 90 आयत, सिर्फ आयत आयत 90 होंगे अगर वर्ग हटाने की बात होगी तो, ठीक है, तो 150 आयत है इसमें 40 वर्ग है, वर्ग गिनने आगे आगे तो जरा इसमें गिन के बता दो, तो 1 2 3 2 3 4 5, तो अब ये 5 3 है तो फिर वही कॉम्बिनेशन, अगर मुझे वर्ग इसमें गिनना हुआ तो 5 गुणा 3 प्लस 4 की 2 में
चार गुना दो प्लस तीन की एक में तीन गुना एक, दोस्तों अब आपको साफ दिख रहा है पांच चार तीन आगे क्या आएगा दो, ठीक है, और ये तीन दो एक आगे क्या आएगा जीरो, तो ये तो सब जीरो हो गया बिल्कुल। और अब आगे और क्या जाओगे जब जीरो ही आ गया तो अब इन्हें गिन लो, पंद्रह प्लस आठ प्लस तीन, पंद्रह और आठ तेईस और तीन छब्बीस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंद्रह और आठ तीन तेईस तीन छब्बीस, तो आपका वर्ग का आंसर है इसमें छब्बीस। और अगर मैं आयत देखूं तो वो आपको आता तीन दो पांच और एक छह, और इनको मैंने अभी जोड़ा था पंद्रह बैठते थे, पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह, पंद्रह और छह की गुणा करूं तो नब्बे आया, तो इसमें नब्बे तो रेक्टेंगल्स है और छब्बीस स्क्वायर है, नब्बे और छब्बीस बिल्कुल आपका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अब मैं वर्ग की बात करता हूं, इसमें वर्ग सत्रह कैसे है, देखिए उत्तर है इसका सत्रह, अब मैं इसमें वर्ग कहनवा दूं, ये बिल्कुल एग्जाम में आई हुई आ करती है, तो आप जरा देखिएगा बहुत आराम से आप गिन सकते हो, तो आप ये छोटे छोटे ये तो वर्ग होते ही हैं, आपको पता है स्क्वायर है, तो ऐसे कितने डब्बे हैं इसमें, छह डब्बे तो साफ साफ है प्लस, ठीक है, छह डब्बों के साथ और इसमें क्या है जो वर्ग आपको नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों वर्ग ये भी वर्ग है, ये डब्बे भी बिल्कुल एक सार है ये वाला डब्बा, ठीक है, तो ऐसे डब्बे और गिन लो बहुत सारे हैं ऐसे, तो इधर भी बन रहा है इधर भी बनना है, तो चार तो इस तरफ ही बन रहे हैं, ठीक है, चार इस तरफ बन रहे हैं, चार डब्बे बन गए, छह प्लस चार, लेकिन अभी तीन ये भी रह रहे हैं डब्बे, इधर भी ये रहा, तो तीन डब्बे ये रहे, तो चार तीन सात, छह और सात तेरह, तेरह, अब आप कहो चार इसमें चार इधर वाले में भी तो है थी, अरे नहीं ये वाला कॉमन डब्बा तो एक ही तो गिनेंगे, तो तेरह और प्लस चार और कहां होंगे दोस्तों, एक तो ये बड़ा वाला ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, ये वाला बड़ा ये कहां लिया है अभी आपने, छोटे छोटे डब्बे ही तो लिए थे और ऐसे ही सेम ये वाला, ठीक है, तो दोस्तों दो ये हो गए, अब दो और कहां बनेंगे, अब बना के दिखाओ, तो दोस्तों ये रहा एक तो ये रहा, दो दो डब्बों से मिलकर ये बड़ा इकसार वाला, वो पहले तिरछा वाला था, तो और एक इधर से बन रहा ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा घिचर पिचर हो गई पर आपको समझ में आ गया होगा, सात छह तेरह दो पंद्रह दो सत्रह इस तरीके से बनते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी वर्ग गिनने को आ जाता है। अब जरा आयत गिनना और देख लेते हैं दोस्तों, अब आयत गिनने में हम लोग को क्या करना है, तो आयत क्या होता है आपको पता है, ऐसे लंबे से जो रहे वो सब आयत है, तो जरा देखिए एक आयत प्लस दूसरा आयत, ठीक है, और एक तीसरा आयत, इसका किस्सा ही खत्म कर ले पहले पूरा जो ये यहां से यहां तक का, तीन आयत तीन सेम नीचे एक दो और ये तीसरा, तीन और तीन छह बिल्कुल, तो दोस्तों तीन ऊपर और तीन नीचे छह और एक ये बड़ा वाला सात, तो सात ही इसमें आयत हैं बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो गए हैं, सात आयत इसमें हूं सात आयत। नेक्स्ट क्या है अब जरा देखिए, ये बिल्कुल जैसे आपने ऊपर वर्ग वाला किया था सेम ऐसा ही है, तो जैसे हम वहां पार्ट करते थे एक दो तीन और एक दो, ठीक है, तो ऐसे ही आप गिनती कर सकते हो तीन दो पांच और एक छह, और नीचे को जोड़ूंगा, देखिए इधर को जोड़ा तो छह और नीचे को जोड़ा तो तीन, तो छह और तीन की गुणा करते हैं हम अठारह, अठारह प्लस, अब कुछ और आयत क्या इसके बनने से बना है क्या, कोई बढ़ा है क्या आयत, नहीं बढ़ा दोस्तों, अट्ठारह ही आयत होंगे इसमें, क्योंकि ये तो फिर बेकार में ये आकृति आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, तो सिर्फ यही, ये तो वही डब्बा है जो ऊपर हमने किए थे वर्ग वाले, बिल्कुल ऐसा ही तो डब्बा है ये भी, ठीक है, पार्टीशन कर रखा है, लेकिन इसमें आपको घुमा दिया उसने पार्टीशन में, दोस्तों ये आपको छोटा करे या बड़ा करे, आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, तो ये फिर वही सवाल बन गया एक दो तीन। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे हमने काउंट किए हैं वर्गों को, तो वर्ग अगर मैं काउंट करूंगा तो फिर तो ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग चार और चार इसमें आठ, और फिर तो ये बहुत सारे बन जाएंगे, ये आयत है नीचे भी आयत है, तो इतने तो बड़े ऑप्शन नहीं है, तो आपको लगना चाहिए कि ये वर्ग इसमें काउंट नहीं किए हैं इस गिनती को देख करके, तो सिर्फ आयत आयत इसने लिए हैं, ठीक है, वो ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा, तो अब आपको आप कहो कि जी वर्ग को हटाकर तो बोला नहीं है, लेकिन ऑप्शन से आपको लग रहा है ना, सिर्फ आयत आयत गिनते हैं, तो दोस्तों गिनते हैं, एक तो ये वाला आयत एक, नीचे वाला आयत दो, छप लग गया आवाज आ रही होगी, तीन ये और चार ये, चार आयत हो गए, ठीक है, और ऐसे ही आप देख रहे हो पांचवा छठा नीचे सातवां और एक आठवां, तो आठ ही इसमें आयत होंगे, बिल्कुल आठ से अलग नहीं होगा, अगर मैं वर्ग काउंट करूंगा तो फिर ये बहुत ढेर बन जाएंगे, ठीक है, उतना ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मैं आठ ही इसमें लगाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, अब घन गिनने की बात, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं बिल्कुल। अब आप देखिएगा इसमें अगर हमें घन गिनने हुए तो हम कैसे हम लोग गिनते हैं, घनों की गिनती एक बार आप देख लीजिएगा। तो आपको नजर आ रहे हैं एक दो तीन, तीन घन नीचे, एक दो इसमें और एक ऊपर। तो बिल्डिंग के आपसे देखिए कि बेस में कितने घन रखे हैं, तीन। तो ये पहली बिल्डिंग पे, पहली मंजिल पे तो एक की गुणा, इसमें दो घन रखे हैं तो दूसरी मंजिल पे दो की गुणा, और इसमें एक घन रखा है लेकिन मंजिल कौन सी है, तीसरी। तो इधर तो घन की संख्या और इधर मंजिल, मंजिल आप गिन लो। तो आप ऐसे इसको काउंट कर दिया करो, तीन चार और तीन, तो चार तीन सात, तीन दस, दस घन इसमें होंगे, आपका आंसर है। समझ में आ गई। अगर नीचे बेस में चार होते तो चार एकम चार, ऊपर तीन होते, तीन दुनी छह, ऊपर दो होते, दो तिया छह, और ऊपर फिर एक और रखा होता तो चार, चार चौथी मंजिल है और एक घन रखा होता, चार एकम चार। इस तरीके से उम्मीद करता हूं काउंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मंजिल, कौन सी मंजिल पे घन रखा है, और ये घनों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। उम्मीद करता हूं दस घन आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से हुए, इन सबको जोड़ दिया इसलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय दोस्तों। बहुत अच्छे से आप एग्जाम करके आओ, जो भी आपका एग्जाम हो हर जगह यही आकृति आती है, यही रिपीट होती है, और बचेगा भी क्या दोस्तों, और आएगा भी क्या। अब आपको आइडिया तो हो ही गया है किस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।